नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। सभी देशवासियों को शुभ प्रभात के साथ मेरा सादर नमस्कार है। आज गणतंत्र भारत हमारे महात्मा गांधी 150वीं जयंती तथा देश के महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस अवसर पर मैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सत सत नमन करते हुए मेरी श्रद्धांजलि है। मित्रों, समस्त देशवासियों तथा पश्चिम बंगाल की जनता को मैं यह बात बताना चाहता हूं कि कल बीते हुए कल के संग कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए हुए थे, जो इस समय देश के गणतंत्र भारत के गृह मंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कलकत्ता में जिस तरह का भाषण दिया है, वो भाषण पूरी तरह से हमारे भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मूल भावना पर प्रहार करता है। उन्होंने एनआरसी के विषय पर और सीएबी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बहाने उन्होंने भारत के संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक, उसका उन्होंने पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। इसलिए कि भारत के संविधान में जो हमारा सिटीजनशिप का राइट है, जो नागरिकता के अधिकार है, उसमें कहीं भी किसी धार्मिक या धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक की कोई नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई। लेकिन अमित शाह ने कल हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख जैन क्रिश्चियन, इन धर्मों का नाम लेकर के जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि इन धर्म के लोगों को देश से बाहर नहीं किया जाएगा, अन्यथा दूसरे धर्म के लोग जो होंगे वो देश से बाहर होंगे, इस तरह का उन्होंने नागरिकता के जो हमारे संविधान में अधिकार प्राप्त हैं भारत के गणतंत्र भारत के नागरिकों को, जो 5 से 11 अनुच्छेद में जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उस पर पूरी तरह से उन्होंने मूल भावना पर प्रहार किया है। पश्चिम बंगाल सरकार और माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि भारत के संविधान के मूल भावना पर प्रहार करने और नागरिकता के अधिकार का हनन करने, धार्मिक उन्माद फैलाकर समाज में विद्वेष फैलाने के संदर्भ में अमित शाह पर बंगाल सरकार को मुकदमा करना चाहिए। इसलिए कि हमारा गणतंत्र भारत में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर उल्लेख नहीं है।
बंगाल सरकार से पुनः, चूंकि उन्होंने कोलकाता में भाषण दिया है और बंगाल सरकार का यह दायित्व बनता है कि अमित शाह के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करके भारत के संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 5 से 11 की धज्जियां उड़ाई है। यही बात को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनको शत शत नमन करते हुए अपने गणतंत्र भारत के संविधान की रक्षा की संकल्प लेते हुए मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि यह देश 130 करोड़, लगभग 125 करोड़ जनता का देश है। जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, जो इस देश की मिट्टी में जन्म लिया है, जिसके माता पिता पूर्वज इस देश में रहे हैं, उन्हीं का यह गणतंत्र भारत देश है। यही हमारा नागरिकता का मूल स्वरूप बताता है। इन्हीं बातों के साथ मैं सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।